बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर माह और रमज़ान मुबारक की 21वीं शब यानी 21वीं रात का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर आया हूँ, जिसकी बहुत बड़ी एक फजीलत भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अपनी इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारे बताए हुए वज़ाइफ को अच्छे अंदाज से देख सकें। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अगर आप अपना नाम खास दुआ में शामिल करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी वजीफा चाहते हैं, तो आप लाजमी तौर पर हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह हम उसके मुतालिक भी आपकी ज़रूर बज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। मेरी नहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, माहे और रमज़ान मुबारक के अंदर जो आखिरी 10 रात यानी आखिरी जो अशरा है जहन्नम से आज़ादी का, इस अशरा मुबारक के अंदर आप अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे निजात दे आग से, मौला मुझे बचा ले, मुझे पना दे आग से। ये दुआ को आप कसरत के साथ मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों मौला से दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, इन्हीं रातों के अंदर एक रात ऐसी आने वाली है जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिसको लैलतुल क़द्र की रात कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाली बरकतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्शता है, अल्लाह ताला दुआ जो दुआ मांगते हैं उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। आइए मैं आपको एक सुनाता हूँ। एक मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, माह और रमज़ान मुबारक के अंदर लैलतुल क़द्र जो है ये बहुत मुकद्दस रात है, इसको हरगिज़ हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है और इसका ज्यादा इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास या उसके बताए से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने कितना है। इस रात में हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहि सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफहा करते हैं। इस मुबारक शब का हर लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खास कासुल खास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम के सदके में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम की उम्मत को अता की गई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, इस रात जो सूरत मुबारक नाजिल की गई है वो भी सुन लीजिएगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलअिल फज्र। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, आइए एक आपको बहुत ज्यादा एक फजीलत सुनाता हूँ। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ लाया तो सुल्तान दो जहां मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर दिशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, कितनी फजीलत कितनी बरकत इस रात की है। अल्लाह ताला हमको इस रात की बरकतें नसीब फरमाए। आइए अब मैं आपको माह रमजान मुबारक की किसी शब का एक बहुत ही जबरदस्त आपको वजीफा बताता हूँ। प्यारे और मोहतरम भाइयों, रमजान मुबारक की 21वीं रात को 2 नवाफिल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक एक मरतबा सूरह क़द्र और 3-3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है और इसके बाद यानी सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह ये पढ़ना है। इसका फायदा क्या है,
اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے آپ کی گناہوں کی معافی بھی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے یہ نماز پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ اور میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی نیک جائے دعا ہوگی اس کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک برکت کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان بارک کے آخری عشرے کا واسطہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آزادی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔